जय हिंद। मैं कुमार विवेक, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवकाशी डिफेंस अकेडमी गोला में। आज हम पहले भारत के प्रमुख फसल उत्सवों के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार एग्ज़ाम में फसल उत्सव पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर को उठा करके हमने देखा है, उसके बाद में हमने इस चीज़ का एनालिसिस किया कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है। अब डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है कि असम का नृत्य कौन सा है या बिहू कहाँ का नृत्य है। अब उस नृत्य की विशेषता के बारे में पूछा जा रहा है कि इस उसकी विशेषता को रखा जाएगा, उससे क्वेश्चन बनाया जाता है कि मतलब इस विशेषता से कौन सा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, या फिर ये पूछ लेते हैं कि इस त्यौहार में या इस उत्सव में किस भगवान की विशेषता है। ठीक, तो इन सब चीज़ों के लिए हमने पहले इधर लिस्ट बनाई है, उसको पढ़ेंगे देखेंगे, उसके बाद में हम आपको थ्योरेटिकली बताएंगे कि उगादी है, जो गुड़ी पड़वा है, बिहू उत्सव है, पोंगल नृत्य है, बोनालू, इन सब के बारे में कि किसमें क्या क्या होता है, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर घुमा करके भी पूछे किसी भी प्रकार से आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले आप देख लीजिएगा कि भारत के प्रमुख फसल उत्सवों की सूची इस साइड में है, तो यहाँ पे पहला लिखा है मकर संक्रांति। तो पूछा जा सकता है आपसे कि मकर संक्रांति जो त्यौहार है, पर्व है, ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये अधिकांश उत्तर भारत में मनाया जाता है, अधिकांश उत्तर भारत में मनाया जाता है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर बिहू है, ये असम का बहुत ही प्रमुख है, तो इसको इसके बारे में पूछा जा सकता है कि बिहू कहाँ का है? तो बिहू असम का है। ठीक, उसके बाद में आता है ओणम। ओणम ये सारे पूछे जा चुके हैं, वही आपको करवा रहे हैं। ओणम, ओणम केरल का है। ओणम कहाँ का है? केरल का है। फिर है पोंगल, पोंगल तमिलनाडु का है। लोहड़ी और बैसाखी, ये दोनों आपके पंजाब हरियाणा क्षेत्र के हैं, ध्यान रखिएगा इनको। गुड़ी पड़वा आता है, गुड़ी पड़वा जो है वो महाराष्ट्र तथा गोवा में मनाया जाता है। उगादी है, ये दक्षिण भारत में मनाया जाता है। ना बन्ना, ना बन्ना का मतलब होता है नया अन्न, नव अन्न। ठीक, तो ना बन्ना ये आपका पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। मकर बिलक्कू, यह केरल में मनाया जाता है। पोंबलांग नोंगक्रम, पोंबलांग नोंगक्रम यह मेघालय में मनाया जाता है। बांगाला मेघालय में मनाया जाता है। विशु कर्नाटका में मनाया जाता है। बोनालू तेलंगाना तथा हैदराबाद में मनाया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस सूची को हमने बोला है, इसको आप लोग लिखते रहिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। मकर संक्रांति उत्तर भारत, बिहू असम में, ओणम केरल में, पोंगल तमिलनाडु में, लोहड़ी पंजाब हरियाणा, बैसाखी पंजाब हरियाणा, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र और गोवा में, उगादी दक्षिण भारत में, ना बन्ना पश्चिम बंगाल में, मकर बिलक्कू केरल में, पोंबलांग नोंगक्रम मेघालय में, वांगला मेघालय में, विशु कर्नाटका में, बोनालू तेलंगाना आंध्र प्रदेश में। अब इन त्योहारों को एक एक करके देखते हैं कि इनमें इनकी विशेषता क्या है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि मकर संक्रांति उत्सव जो है ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में, क्या इसका नाम है, इसको अन्य किन किन नामों से जाना जा सकता है, इसमें किसको पूजा जाता है, तो ये सब चीज़ें देखते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, मकर संक्रांति यह मुख्यतः उत्तर भारत में मनाया जाता है। उत्तर भारत के कौन कौन से राज्य? पहला है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, जो भी अपने उत्तर भारत में आते हैं उन सभी राज्यों में मकर संक्रांति को मनाया जाता है। यह किस प्रकार का त्यौहार है अगर पूछा जाए तो यह एक फसल त्यौहार है, ध्यान रखिएगा, यह एक फसल त्यौहार है जो कि 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, पश्चिम बंगाल के गंगासार में इसी समय पर मेले का आयोजन किया जाता है, जो मेला कुंभ के मेले से कम नहीं माना जाता। इसी तिथि से सूर्य की जो गति होती है वो दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ हो जाती है। दक्षिणायन उत्तरायण क्या होते हैं, ऐसा बोला जाता है, शास्त्रीय मान्यता है कि 6 महीने सूर्य दक्षिणायन रहते हैं और 6 महीने सूर्य उत्तरायण रहते हैं। तो जो लोग दक्षिणायन में ख़त्म होते हैं उनको स्वर्ग के द्वार बंद मिलते हैं, और जो लोग उत्तरायण में ख़त्म होते हैं उनको स्वर्ग के द्वार खुले मिलते हैं, ऐसी शास्त्रीय मान्यता है। उसके बाद में आता है शीत ऋतु। तो शीत ऋतु का जो अंत है वो मकर संक्रांति के से ही शुरू हो जाता है,
जब मकर संक्रांति आएगी 14-15 जनवरी में, वहीं से शीत ऋतु धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। उसके बाद देख लीजिए एक फैक्ट कि मकर संक्रांति के अन्य जगहों पर नाम क्या है। गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से जाना जाता है, असम में मकर संक्रांति को बिहू के नाम से जाना जाता है, दक्षिण भारत में मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से जाना जाता है, और कई राज्यों में इसी पर्व को खिचड़ी बोला जाता है। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति भी बोलते हैं और खिचड़ी भी बोलते हैं। और इस पर्व पे विशेषता होती है तिल का सेवन करने की। इस पर्व पे अगर कोई तिल का सेवन करता है, मतलब खाता है, तो बहुत शुभ माना जाता है। अब देखिए ओणम। ओणम क्या है? ओणम कहाँ मनाया जाता है? तो ओणम केरल में मनाया जाता है। यह 10 दिवसीय त्यौहार है। ध्यान रखिएगा, यह सितंबर माह में मनाया जाता है। और यहाँ पर राजा महाबली के स्वागत में यह मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका 10वां तथा अंतिम दिन जो होता है, इसको तिरु ओणम के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि राजा महाबली इस दिन अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। ध्यान रखिएगा कि ओणम कहाँ का है, तो ओणम केरल का उत्सव है। ये क्यों, कितने दिन मनाया जाता है? 10 दिन मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? ऐसी मान्यता है कि इस दिन राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने के लिए आते हैं। ठीक, कब? सितंबर माह में। ठीक, कितने दिन का होता है? 10 दिन का होता है। और इसका जो 10वां दिन होता है, अंतिम दिन, उसको क्या बोलते हैं? तिरु ओणम। ध्यान रखिए, ये तो आपको बता ही दिया गया कि बैसाखी और आपका लोहड़ी, ये दोनों पंजाब के, हरियाणा के प्रमुख हैं। और बैसाखी में पंजाब और हरियाणा में पुरुष लोग भांगड़ा करते हैं और महिला लोग गिद्दा करती हैं। ठीक, लोहड़ी कैसा त्यौहार है? लोहड़ी एक फसल त्यौहार है। ध्यान रखिएगा, इसमें किस देवता को पूजा जाता है? तो सूर्य प्लस अग्निदेव की पूजा इसमें विशेष रूप से होती है। ठीक, अगला है नुआ खाई का शाब्दिक अर्थ होता है नया खाना। ठीक, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नया खाना। ठीक, नुआखोई कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है, और उड़ीसा के सीमावर्ती छत्तीसगढ़। ठीक, सीमावर्ती छत्तीसगढ़ में यह भादो मास की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इसकी विशेषता क्या रहती है? प्रमुख आकर्षण का केंद्र क्या होता है? तो इसमें प्रमुख आकर्षण का केंद्र अरसा और पीठा होते हैं। आप लोग इसको भी नोट करते चलिएगा। अगला है बिहू। बिहू यह असम में मनाया जाता है, और यह असम का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है जो मकर संक्रांति के रूप में होता है। यह वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। वर्ष में कितनी बार? 3 बार। एक बार वैशाख में, एक बार माह में, एक बार कार्तिक में। यह बिहू नृत्य तथा बिहू गायन के वो इसमें बिहू नृत्य तथा बिहू गाहन गायन आकर्षण का केंद्र होता है। इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से समझते चलिएगा और अपने कॉपी पे नोट करते चलिएगा। अब आता है पोंगल। जैसे कि यहाँ पर बताया था कि खिचड़ी को ही पोंगल बोलते हैं, तो मकर संक्रांति का रूप है, यहाँ पर भी लिखा है। तो पोंगल नृत्य मकर संक्रांति का रूप है। यह कहाँ मनाया जाता है? तो पोंगल नृत्य को तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये कितने दिवस का त्यौहार होता है यहाँ पे? तो 4 दिवस का त्यौहार होता है। इसमें किस देवता की विशेषता होती है? तो सूर्य देवता की विशेषता होती है। ये जो 4 दिन होते हैं, इन 4 दिनों को अलग अलग भागों के अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो प्रथम दिवस इसका है वो भोगी पोंगल के नाम से जाना जाता है। जो द्वितीय दिवस है वो थाई पोंगल के नाम से जाना जाता है। जो तृतीय दिवस है ये मट्टू पोंगल के नाम से जाना जाता है। अंतिम दिवस इसका कानुम पोंगल के नाम से जाना जाता है। तो इतना पोंगल नृत्य की विशेषताएं हैं, इसको नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, इसके बाहर नहीं। इसके बाद आता है विशु। तो विशु को ध्यान से देखिए, इसमें विष्णु का नाम आ रहा है। तो ये कहाँ होता है? केरल में मनाया जाता है। वो सॉरी, केरल और कर्नाटक का एक त्यौहार है ये। और विशु जो है वो विष्णु भगवान को ही समर्पित है। विशु त्यौहार विष्णु भगवान को समर्पित है, और इसी दिन मलयाली नववर्ष की शुरुआत होती है। इसकी प्रमुखता होती है विशुकनी। ठीक,
अगला गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा कहाँ के त्यौहार हैं? तो गुड़ी पड़वा आपके गोवा और महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा गोवा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पूछा जाएगा, तो ये चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है और इसी तिथि से हमारा हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। ध्यान रखिएगा, हिंदू वर्ष का आरंभ कब होता है? तो चैत्र मास से, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद आता है उगादी। तो उगादी जो है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में मनाया जाता है। कब? चैत्र माह की प्रथम तिथि को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम का राज्याभिषेक इसी दिन हुआ था और इसी दिन से सतयुग आरंभ हो चुका था। ठीक, तो इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद में पूछा जाता है इसी तिथि से देवी उपासना का पर्व स्टार्ट हो गया था, जो चैत्र नवरात्रि में आरंभ हुआ। ठीक, ध्यान रखिए। तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में क्या होता है? उगादी। क्यों? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन तीनों राज्यों में, हाँ, उगादी है, जो कि चैत्र मास की प्रथम तिथि को मनाया जाता है। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किस दिन हुआ था, ये मान्यता है। इसके बाद आता है बोनालू। तो बोनालू महाकाली को समर्पित आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना का एक त्यौहार है, जो कि आषाढ़ माह में मनाया जाता है। इसको विशेष रूप से देखिएगा। उसके बाद गणतंत्र दिवस में निकली झांकी के बाद यह पूरे भारत में आकर्षण का केंद्र बना रहता है और मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है वांगला। वांगला जो कि मेघालय की गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है और सूर्य देव की उपासना की जाती है। इसमें अगर पूछा जाए कि वांगला में किस देवता की प्रमुखता रहती है, तो सूर्य देव की प्रमुखता रहती है। और पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख त्यौहार यही है वांगला, जो कि 4 दिन चलता है और इसका समापन युद्ध नृत्य के साथ में होता है। तो युद्ध नृत्य में, नृत्य के साथ किस त्यौहार का समापन होता है? तो वांगला का। पोंबलांग नोंगक्रम, ये मेघालय की खासी जनजातियों द्वारा होता है, मनाया जाता है और इसका समापन नोंगक्रम नृत्य के बाद एक बलि दी जाती है, तब इसका समापन होता है। तो पोंबलांग नोंगक्रम जो उत्सव है, ये कहाँ का है? मेघालय का है। किसके द्वारा? खासी जनजातियों द्वारा इसका समापन नोंगक्रम नृत्य के बाद बलि देंगे। नोट पॉइंट इसमें यह है कि गारो खासी जनजातियाँ, ये 3 जनजातियाँ मेघालय की हैं और गारो खासी जयंतिया, यही 3 जो वहाँ की जनजातियाँ हैं, इन्हीं जनजातियों के नाम पर वहाँ पर 3 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने नोट कर दिया है। नाव बनना, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नव अन्न, हमने बताया आपको, बंगाल में मनाया जाता है। धान की फसल सफल हो उसके उपलक्ष्य में इस उत्सव को मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में एक मेले का आयोजन भी होता है। इसके बाद आता है मकर बिलक्कू। मकर बिलक्कू कहाँ का है? जो कि केरल का है। यह वार्षिक सप्ताह दिवसीय त्यौहार है। यह सबरीमाला के अयप्पा देव को समर्पित है। तो मकर बिलक्कू त्यौहार किसको समर्पित है? अयप्पा देव को समर्पित है। कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब इस वर्ष से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए थे, ये हमने प्रीवियस ईयर के 2 क्वेश्चन रखे हैं, अन्य भी हैं, वो आपको करवा देंगे। पहले इनको देखिए। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? तो ऐसे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, बिहू नहीं है, बागुरुम्बा नहीं है, मदसजा नहीं है, छत्रिया नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ये तो दोनों हैं, ये भी है, मंदसाज नहीं है। ठीक, प्रश्न है अगला, संगाई त्यौहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है?
ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, और बी ऑप्शन है मेघालय, सी ऑप्शन है नागालैंड, और डी ऑप्शन है मणिपुर। तो इसमें आपका कौन सा होगा? संघाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि जितना भी हमने थ्योरेटिकल आपको लिखाया है, इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे फोटो ले लो, चाहे कुछ भी, लेकिन जितना भी थ्योरेटिकल लिखा है इन सब चीज़ों को पढ़ना है। आप लोग इतना ध्यान रखना कि अगर इसको थ्योरेटिकल नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन अगर उसने पूछ लिया, बाई दबे मान लो उसने पूछ लिया कि धान की फसल के उपलक्ष्य में बंगाल में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है, ना बनना है। या पूछा जाएगा कि बंगाल में किस उत्सव के समय पर एक मेले का आयोजन होता है, तो पढ़ना हमें पूरा पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है पोंबलांग नोंगक्रम मेघालय की खासी जनजातियों द्वारा, अभी आपसे पूछ ले कि खासी जनजातियों को द्वारा के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है। अब खासी जनजाति कहाँ है? मेघालय में है। और मेघालय का कौन सा है? पोंबलांग नोंगक्रम। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमें थ्योरेटिकल इसको पूरा लिख लेना है, लिखने के बाद इसमें से ऑब्जेक्टिव अपने आप ही निकालने हैं। समझ आया? जब आप जैसे एक नृत्य उठाया, इसमें पांच क्वेश्चन बनाओ। आपने पांच क्वेश्चन बना लिए, किससे? पहले बनाया नृत्य से, दूसरा बनाया स्थान से, तीसरा बनाया जनजाति से, और चौथा बना लिया उसके समापन से। अब चार क्वेश्चन आपको मिल गए। अब वो चार क्वेश्चन में से कोई पूछे आपको, सारे क्वेश्चन आपको डाउट क्लियर है। क्यों? क्योंकि आपने थ्योरेटिकल पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव कर लिया है, पूछे क्वेश्चन। तो जीएस को मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि पहले थ्योरेटिकल पढ़ लो, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव बना लो। और थ्योरेटिकल में भी ऐसे कि पूरा सार पढ़ना है, हाईलाइटर नहीं लगाना हमको, ये वाली लाइन पूछी जाएगी, ये लाइन नहीं पूछी जाएगी। तुम एग्जामिनर नहीं हो, एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है कि वो क्या पूछ ले। इसलिए एक पार्ट होता है जी, यहाँ से यहाँ तक लिखा है, इसमें कुछ लाइनें ऐसी होंगी जो आपके काम की नहीं होंगी, बाकी इसमें से ऐसी लाइनें होंगी कहीं से भी क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर जैसे मकर संक्रांति है, अब आपसे ये पूछा जा सकता है गुजरात में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरायण नाम से जाना जाता है। या असम में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है? बिहू नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत किस नाम से? पोंगल नाम से। अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति भी कहते हैं, खिचड़ी भी कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, यह कैसा त्यौहार है? फसल त्यौहार है, उस समय फसलों की कटाई होनी होती है, तो उस समय ही इसको बोला। उत्तर भारत का विशेष उसमें दिया गया है, उत्तर भारत के विशेष राज्य भी दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी। तो यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। उसके बाद पूछा जाता है कि जो ओणम है ये कहाँ का त्यौहार है? ये केरल का त्यौहार है। कितने दिन का है? 10 दिन का त्यौहार है आपका। किस माह में? सितंबर माह में। किसके लिए? राजा महाबली के स्वागत में। क्यों? सुना जाता है कि इस दिन राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। ठीक, तो हर चीज़ों को बढ़िया से पढ़ते चलिएगा। आपको करना क्या है? प्रचंड विद्वान नहीं बनना है, दो दो तीन तीन करके याद रखना ओमकार। समझ में आ रहा है? ये हम कल सुनेंगे भी सेकेंड वाले बैच में, अगर ये नहीं याद हुआ तो ये भी ध्यान रखना, जीव समझ के मारते भी हैं हम। यहाँ बुलाएंगे, अब वीडियो भी शूट हो रहा होगा उस टाइम पे, सोचना जब चैनल पे पड़ जाएगा तो तुम्हारी कैसी धज्जियाँ उड़ेंगी, कितने लोग देखेंगे, पता लगे तुम्हारे गांव का कोई देखेगा, सबको दिखाएगा, देखो देखो उनको लड़का मारो जात, समझे? चलो ठीक है।